हमारे जानने वालों में से एक शख्स थे, अब तो इनका इंतकाल हो गया। ये उन जमाने की बात है जब SSC बोर्ड की एग्जाम्स होती थी, उसमें अगर आपका 70% आ गया तो आप महाराष्ट्र में फर्स्ट आ सकते हो। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग, ये छोटे छोटे ऐसे नहीं रहते थे, बहुत टफ एग्जाम्स रहती थी। 72 मार्क्स पूरे महाराष्ट्र बोर्ड में फर्स्ट आ गए। अब उस जमाने में रमजान आ गया SSC के एग्जाम्स के वक्त, 10th ग्रेड, उस वक्त रमजान आ गया। क्लास में कॉम्पिटिशन होता थे स्कूल में, कौन फर्स्ट आएगा। अब इंदा रमजान आ गया तो कहता है हम तो रोजा रखेंगे और एग्जाम भी देंगे, रोजा भी रखेंगे एग्जाम भी देंगे। क्यों? अरे हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और उन्होंने रोजा रखा, 1972 की बात है, और वो शख्स स्टेट लेवल में फर्स्ट आया, स्टेट लेवल में फर्स्ट। पता चला कि अल्लाह के साथ कनेक्शन लगाने में या अल्लाह के साथ कनेक्ट रहने में आपकी स्टडीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट, जैसे कि मैंने कहा ना, जूता फट जाएगा, सबसे पहले अल्लाह को याद करो। आप किसको याद करते हो? किसी ने आपको ठोका तो बाप रे, हाँ है कि नहीं, सुनते हुए लोगों को बाप रे बोलते हुए। अब ये सोचो कि भाई अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने क्यों कहा है कि छोटी छोटी चीज में अल्लाह को याद करो। जैसे कि आप कपड़े पहनो तो बिस्मिल्लाह, कपड़े उतारो बिस्मिल्लाह, अब घर के बाहर जाओ बिस्मिल्लाह, है कि नहीं, एवरीवेयर बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, कुछ भी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर जगह पे आप अल्लाह के साथ कांटेक्ट करेंगे। जूता फट गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ए अल्लाह मेरे को नया जूता लगा दे। अभी मांगते नहीं हम, डैडी को व्हाट्सएप करते, डैडी जूता फट गया, शाम को नया जूता चाहिए, है ना। अल्लाह को मैसेज नहीं भेजते हम लोग, कनेक्शन थोड़ा डायल्यूट हो जाता है। यू मेक अ प्रैक्टिस और हैबिट कि अगर हमने कनेक्शन कर दिया अल्लाह के साथ छोटी छोटी चीज में भी, अल्लाह को थैंक यू, सुभान अल्लाह, या अल्लाह तेरी मदद चाहिए, इस तरह से अगर आपने बार बार अल्लाह को याद करना शुरू किया। सपोज कि आप रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं और ट्रेन आ गई, तो आप बाप रे बोलोगे कि अल्लाह को याद करोगे, नेचुरल है कि नहीं, इमीडिएटली, इसलिए कि यू आर हैबिटुएटेड टू इट, तुम्हारा माइंड सेटअप वैसा है। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपका दोस्त कहे खिंजीर का गोश्त है तो आप खाएंगे? नो। क्यों? माइंड सेटअप है, माइंड सेटअप है। मम्मी को पूछने की जरूरत पड़ेगी कोई देख रहा है कि नहीं, नहीं है कि नहीं, एक माइंड सेटअप बन जाता है। तो अल्लाह के साथ कनेक्शन रखने की वजह से एक माइंड सेटअप बना एक चीज में, उसी तरीके से सारे माइंड सेटअप अल्लाह के साथ सब जगह पे होना चाहिए। देखो भाई, खिंजीर का गोश्त हराम है ना? Yes। शराब हराम है, इसीलिए नहीं पीते हैं, लेकिन इंसान का गोश्त भी तो हराम है, लेकिन कीबत करते हैं कि नहीं मजे से, अरे वो ऐसा है वैसा है कि नहीं। क्यों? उस वक्त क्यों अल्लाह याद नहीं आता है? कनेक्शन नहीं है, सिलेक्टेड कनेक्शन होता है अपना, जहां मतलब हमको ठीक लगा वहीं पे हम अल्लाह के साथ कनेक्ट करते। एग्जाम आ गई, या अल्लाह बिस्मिल्लाह बोल के आयतुल कुर्सी पढ़ के एग्जाम में बैठते हैं हम, लेकिन रोज स्कूल में जाते हैं तो आयतुल कुर्सी बिस्मिल्लाह बोल के अल्लाह को याद करते हैं क्या? नहीं करते। और ठीक है, क्या प्रॉब्लम थोड़ी है कोई स्कूल में जाने का, टीचर अच्छी है, मारती नहीं है, ट्यूशन भी रखते हैं, लेकिन जैसे लगा कि एग्जाम आ गई, धक 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 शुरू हो गया, या रिजल्ट लेने गए, हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाते, तो क्या उस वक्त अल्लाह याद आता है? अगर साल भर अल्लाह को याद करेंगे तो क्या अल्लाह ताला आपको मदद नहीं करेगा? हो सकता है एग्जाम के वक्त आपको धक धक नहीं होगी। क्यों? साल भर यू आर कनेक्टेड विद अल्लाह।